स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल देसी बॉयज पे। गाइस आज आपके लिए लेके आए हैं हम अपने हम सबके फेवरेट संजू बाबा का कंटेंट। जी हाँ गाइस, उनकी 1994 की सुपर हिट मूवी आतिश का एक सीन लेके आए हैं आपके लिए, आतिश फील द फायर। जी हाँ गाइस, ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसको 1994 में, एंड संजय गुप्ता जो बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं, बॉलीवुड के प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने इस मूवी से डेब्यू किया था। तो गाइस इसकी ये क्लिप है हमारे पास जो मुझे पसंद है एंड हमारी टीम को पसंद है, तो हम उसको आपके सामने लेके आने वाले हैं। एंड हाँ, आतिश के ऐसे बहुत सारे सीन हैं जो सबके बहुत लोगों के अलग अलग सीन फेवरेट हैं, तो इस वीडियो के बाद आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आइएगा एंड मेंशन कीजिएगा कि अगर संजू बाबा की किसी और मूवी, चाहे वो खलनायक हो, डार्क द फायर हो या कोई भी मूवी हो उनकी, अगर आप उसके सीन उठा के अगर वीडियो बनाना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर मेंशन कीजिएगा। तो आइए पहले इस वीडियो को प्ले करते हैं, उसके बाद इस मूवी के बारे में डिस्कस करेंगे। कादर भाई, ये नवाब कहाँ है? जिस भाई के लिए तूने घर छोड़ दिया, उस भाई ने आज तुझको छोड़ दिया है। कादर भाई, मैं पूछ रहा हूँ कि नवाब कहाँ है? चल मैं इस वीडियो को रोक के इंटरप्ट करके आपसे ये कहना चाहूँगा कि मींस कि अभी भी मैं संजू बाबा का लुक देखता हूँ तो ऐसा नहीं लगता कि नेवर ओल्ड, मींस कि ऐसा लगता है इनको लुक को देख के एंड पर्सनैलिटी को देख के कि जो ये कैरेक्टर प्ले करते हैं उसके बाद उस कैरेक्टर को कोई और छेड़ नहीं सकता। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इस मूवी के बारे में डिस्कस करेंगे। बाद में पूछा, पहले चल के चाय पी ले। कादर भाई, आप जानते हैं कि नवाब के बिना ना मैं कुछ खाता हूँ ना पीता हूँ, तो फिर आप बोलते क्यों नहीं कि नवाब कहाँ है? नवाब, अगर तेरे कानों में ताकत है तो सुन, और अगर तेरी आंखों में हिम्मत है तो जा और अपनी आंखों से देख कि नवाब किस हाल में है। या नवाब, अकेले अकेले you
गया नवाब। तू आ गया बाबा, तू आ गया। ये 4 मिनट की क्लिप ही मतलब डिस्क्राइब करने के लिए इनफ है कि ये कैसी मूवी है। अगर आतिश की बात करें तो गाइस ऐसी मूवीज़ मतलब मैं कह सकता हूँ शॉर्टी के साथ की बहुत कम बनती हैं जिसकी हर चीज़ परफेक्ट हो। मतलब आप कह सकते हो कि आदित्य पंचोली एंड बाबा ने संजू बाबा ने अपने कैरेक्टर को जस्ट प्ले नहीं करा, इस कैरेक्टर को जिया है। एंड गाइस एक अच्छी चीज़ ये थी कि इस मूवी के साथ, इस मतलब बेहतरीन मूवी के साथ संजय गुप्ता ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था एज ए डायरेक्टर। तो गाइस वैसे आतिश की बात करें तो आतिश मूवी एक नॉवल पे बेस्ड थी जिसका नाम था अ बेटर टुमारो बाय जॉन वू। इन्होंने इस नॉवल को लिखी थी, इसी पे ये मूवी बेस्ड थी। एंड ये बहुत ही प्यारी मूवी है। अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखी तो यूट्यूब पे एंड आपको ऐसे टेलीविज़न पे भी आती रहती है मूवी, एंड यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हो। बहुत ही प्यारी मूवी है संजू बाबा की। तो गाइज इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। एंड हमारे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है, एंड उसके अगर कोई भी सीन हो, कोई भी गाना हो उसकी मूवी का, तो हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे एंड आपके पास जल्द से जल्द डिलीवर करेंगे। तो थैंक यू फ्रॉम द देसी बॉयज। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आपसे जुड़े रहें एंड नए नए कंटेंट आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचा सकें। बाय बाय फ्रॉम नाउ, थैंक यू फ्रॉम द देसी बॉयज। Thank you.